घर में महापंचायत बैठी थी और आपके पिता ने कहा यह तो माला छोड़नी पड़ेगी, ये बर्दाश्त छोड़नी पड़ेगी। या तो भाई आप घर छोड़ दीजिए, पिता को छोड़ दीजिए, या तो ओशो का जो ये माला वगैरह पहने उनको छोड़ दीजिए और मुझे घर से एक तरह से निकाल दीजिए। और रिसेंट मेरा शादी हुआ था, 20 साल की एज थी, फिर हम मजबूरी में उनको बोले कि भाई यार हम तो गुरु नहीं छोड़ सकते, इसलिए गुरु तो मतलब कई जन्मों के तलाश के बाद मिलता है। तो फिर अलग घर से अलग रहते थे, उन दिनों ऐसा कल्चर नहीं था कि आप माता पिता को छोड़ के अलग रहें, लेकिन हम रहे। या फिर उसके बाद नौकरी ढूंढे, फिर नौकरी जब ढूंढ लिए तो फिर स्वतंत्र रूप से रहने लगे। न जब पिता को आपने बोला ना, कैमरे की तरफ देखिए, कि गुरु तो जन्म जन्म में मिलता है, क्या बोला था आपने? भाई गुरु नहीं, गुरु तो कई जन्मों की तलाश के बाद में कोई सदगुरु मिलता है, और माता पिता तो हर जन्म में मिलते हैं और मिलते रहेंगे जब तक जन्म लेते रहेंगे। तो माता पिता को छोड़ा जा सकता है लेकिन गुरु नहीं। तो पिताजी तमतमा गए थे एकदम से? तमतमा गए, बड़ी पंचायत बैठी, कई लोगों को बताया, फिर वो उनके जो सर्किल के लोग थे फिर वो लोग बैठे और हमको समझाया, तो हम तो उसी एक ही तरह के जवाब देते रहे। तो उस जमाने में आप पूरा जैसे आज हम ड्रेस में, आप ड्रेस में होते थे ना, वैसे ही ड्रेस पहनते, उस समय तो कंपलसरी था ना ड्रेस वगैरह, कंपलसरी था। और इतने अच्छे कपड़े भी नहीं मिलते थे, उनको कलर करना पड़ता था। अच्छा, तो कलर भी कहीं ज्यादा होता था, कहीं छूट जाता था। अच्छा, और वो संन्यास आपका सीधे भगवान से हुआ था? हाँ, ओशो से हुआ था। उस समय ओशो अपने लाउसे हाउस में ऐसे फर्श पे बैठ के लोग बैठे रहते थे, ओशो अपने कक्ष से निकलते थे और दीक्षा देते थे। अच्छा, तो आपकी कुछ बातचीत हुई थी भगवान से? नहीं, उसमें बातचीत मना हो गया था, पैर छूना मना हो गया था और कोई बातचीत नहीं करते थे, सिर्फ बैठे रहते थे। अच्छा, ठीक स्वामी जी। घर पे? घर पे यही बोले कि माता पिता तो हर जन्म में मिलेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन जो है गुरु तो कई जन्मों की तलाश है। तो आपको कैसा लगा उस टाइम में इनका जवाब? अब हम तो देखिए माता पिता लोगों के चलते हम उसो के खिलाफ थे, खिलाफ नहीं थे, मतलब मानते थे, ध्यान ले लेते तो हमारे परिवार और विद्रोह कर डालता। हम हृदय से भरे हुए थे। अच्छा, हृदय से भरे हुए थे? हृदय से एकदम डर से भरे हुए थे। अच्छा, पर ओशो के प्रति मतलब प्रेम भाव था आपका? उस टाइम बहुत डरते थे। हाँ, उस समय शिविर भी होता था तो रेस्टिंग के साथ। अच्छा, और उस समय शिविर में जो कीर्तन उर्तन होता है ना, तो वो लोग फैला दिए थे कि वो सब नाचते गाते हैं, इसी के लिए लोग जाते होते हैं। अच्छा, गाना होता है। तो ठीक स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जब कभी यहाँ गतिविधि होगी तो मैं चाहूंगा आपकी भूमिका रहेगी। धन्यवाद, ठीक है बाजी।